तीन T20I मैचों की सीरीज का दूसरा मैच भारतीय पुरुष टीम और ऑस्ट्रेलिया पुरुष टीम के बीच 23 सितंबर 2022 को नागपुर भारत में खेला गया, जिसमें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलिया कप्तान एरोन फिंच के बीच हुए टॉस में भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुनी। तो पहले जान लेते हैं भारत की प्लेइंग 11। रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, युजविंदर चहल, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, हर्षल पटेल और ऋषभ पंत। दोस्तों, बारिश की वजह से ये मैच 8-8 ओवर का खेला गया। तो पहली पारी में गेंदबाजी करते हुए भारत ने 8 ओवर में 5 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को 90 रनों के स्कोर पर रोका, जिसमें अक्षर पटेल ने 2 और जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट लिया और 2 खिलाड़ियों को रन आउट किया। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज़्यादा मैथ्यू वेड ने 43 और एरोन फिंच ने 31 रन बनाए। फिर सेकेंड इनिंग में चेज करते हुए भारत ने 7.2 ओवर में 4 विकेट खोकर 92 रन बनाकर 6 विकेट से मैच जीता, जिसमें सबसे ज़्यादा रोहित शर्मा ने नॉट आउट 46 रन बनाए। वहीं डिफेंड करते हुए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम जाम्पा ने 3 और पैट कमिंस ने 1 विकेट लिया। तो भारत की जीत का कारण रहा अक्षर पटेल की शानदार बॉलिंग और बैटिंग में रोहित शर्मा की सूझबूझ वाली कप्तानी पारी, और ऑस्ट्रेलिया की हार की वजह रही बैटिंग में मैथ्यू वेड और एरोन फिंच के अलावा कोई भी बल्लेबाज नहीं चला, और बॉलिंग में एडम सांपा को छोड़कर सभी गेंदबाजों ने बहुत रन दिए। तो अब ये सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है और तीसरा और लास्ट मैच अब टक्कर का होगा। इस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच भारत के रोहित शर्मा को दिया गया, जिन्होंने नॉट आउट कैप्टनशिप पारी खेलकर भारत को मैच जितवाया। सो ऑल द बेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया फॉर योर अपकमिंग मैचेस एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टीम इंडिया फॉर योर विक्ट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन में सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगे और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है, तो कृपया हमसे टीम नेशन तमाशा@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।